हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे पहचाने कि आपकी बनारसी साड़ी रियल है या फेक। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो पक्का बहुत कमाल की है, आपको जरूर पसंद आएगी। ऑल्सो मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं दो बेसिक वीव टेक्निक्स की जिनमें आपकी बनारसी साड़ीज को बनाया जाता है। इसमें से सबसे पहला है कड़वा वर्क। कड़वा वीव टेक्निक जो है इसे कॉपी करना इम्पॉसिबल है। ये आपका पावर लूम पे या फिर मशीन पे तैयार ही नहीं हो सकता, सिर्फ हैंड लूम पर बन सकता है। इसलिए आपको लगभग जितनी भी कड़वा वर्क की साड़ी मिलती है ना, वो 99% रियल ही मिलती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर साड़ी दिखाकर ही इसकी खासियत बताती हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। आप यहाँ पर ये फ्रंट पे फूल देख रहे हैं, अब यही फूल मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कैसे एक भी धागा लूज नहीं है, सारे धागों को साड़ी में ही काट दिया गया है, बुन दिया गया है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो कड़वा वर्क है और इसी रीजन से ये साड़ी इतनी फेमस भी है। इस वीव टेक्निक को लगभग बनाने में 2 महीने लग जाते हैं, इवन 2 लेबर की रिक्वायरमेंट लगती है इस साड़ी को बनाने में, ताकि एक जना उसी चीज को उसी जरी के धागे को इसी साड़ी में काट सके। और अगर मैं बात करूं ना आज के टाइम में प्योर बनारसी साड़ी की, तो वो ये इसी काम में ही बनती है, इसी कड़वा वर्क में ही बनती है। दूसरी वीव टेक्निक है फिकुआ वर्क, इसे हम इंग्लिश में कट वर्क भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आपकी साड़ीज की सबसे ज्यादा आपको कॉपी मिलती है ना, वो इसी वीव टेक्निक में मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीव टेक्निक भी खराब है, ये हमारी मार्केट का मैं कहूंगी दुर्भाग्य है कि वो हमारे हैंडलूम्स को कॉपी करके एक सस्ता माल बनाकर बेचती है। ये वाला वर्क कॉपी करना आसान है, इसलिए वो ज्यादातर इसी वीव टेक्निक में आपको एक बनारसी साड़ी कॉपी करके देते हैं। वरना फिकुआ वर्क खराब नहीं है, ये वीव टेक्निक भी उतना ही अच्छा है बनारसी में और आप इसे भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इस साड़ी में डिफरेंस दिखाती हूँ कि एक फिकुआ और एक कड़वा वर्क में क्या डिफरेंस होता है। फिकुआ वर्क की जो साड़ी होती है ना, इसे आप फ्रंट से देखें बूटा कैसा दिख रहा है, वही अब मैं आपको ये बूटा बैक से दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कैसे इस बूटे के जितने भी धागे हैं सारे ये निकले हुए हैं, ये साड़ी में ही बुने नहीं गए हैं, इन्हें काट दिया गया है। इसीलिए हम इसे फिकुआ वर्क बोलते हैं और कट वर्क भी बोला जाता है इसे। बस यही फर्क होता है कड़वा में और एक फिकुआ में। कड़वा में यही धागे बुन दिए जाते हैं और फिकुआ में इन्हें काट के छोड़ दिया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे निकल जाएंगे, बस हाँ ये बात जरूर है कि फिर ये खाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अब अगर आप एक ओवरऑल साड़ी देखते हो भरी हुई जिसमें जरी के धागों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो भी जो आपका है ना, उसे हम फिकुआ वर्क ही बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वो साड़ी भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो साड़ी का फ्रंट, और अब मैं आपको साड़ी का बैक दिखाती हूँ। देखो कैसे सारे जरी के जो धागे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ना काटा गया है ना बुना गया है, बस ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये भी आपकी फिकुआ वर्क ही कहलाती है। ये तो हो गई वीव की बात, पर क्या आपको पता है कि आपकी जो बनारसी साड़ी है वो प्योर सिल्क के अलावा सेमी सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में भी बनाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ तीनों में। एक प्योर सिल्क की साड़ी में वाप और वेफ्ट आपके दोनों प्योर सिल्क के होते हैं, वहीं एक सेमी सिल्क जिसे हम आर्ट सिल्क भी बोलते हैं, उसमें जो आपका वॉप का धागा होता है, जो धागा लंबाई में जाता है, वो सिल्क का होता है। और वेफ्ट का धागा आपका पॉलिएस्टर का या जॉर्जेट का भी हो सकता है, अगर आपको जॉर्जेट में एक बनारसी साड़ी मिल रही है। वहीं जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क साड़ी होती है उसमें आपका वाप और वेफ्ट दोनों के दोनों पॉलिएस्टर के होते हैं, यानी कि नाइलॉन के। और यही साड़ी आपको सबसे सस्ती मिलती है मार्केट में 1500-2000 तक की। अब बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की जिनसे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपकी साड़ी एक रियल बनारसी साड़ी है या फेक बनारसी साड़ी। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि आपके साड़ी के कॉर्नर्स में ऐसे होल के निशान हैं। अगर आपको ऐसे पिन होल के निशान दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी साड़ी को हैंडलूम पर बनाया गया है, क्योंकि जब आपकी साड़ी को बुना जाता है हैंडलूम पर तो दोनों साइड पिन लगे होते हैं जहां पर आपके धागों को अटकाया जाता है और उन्हें फंसा कर स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है, ताकि हैंडलूम की साड़ी बना सके। तो अगर आप अपनी साड़ीज में दोनों साइड एक पिन के निशान देखते हैं तो आपकी साड़ी 100% हैंडलूम पर ही बनी है, वो मशीन की साड़ी नहीं है। इवन 28 साल पुरानी साड़ी में मैं आज तक वो निशान देख रही हूँ, वो अभी तक नहीं गया है और ना ही आई थिंक ये जल्दी से भरता है, तो आपको ये निशान तो पक्का देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है जो आपको देखनी है कि जो जरी का धागा है आपकी साड़ी में, गोल्डन धागा है जरी का, उससे लंबाई में बुना गया है या चौड़ाई में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। जैसे आप ये साड़ी देखिए, यहाँ पर जो आप ये जरी का धागा देख रहे हैं इसे चौड़ाई में बुना गया है। अगर आपकी साड़ी में जरी का धागा चौड़ाई में बुना हुआ है तो इसका मतलब वो एक हैंडलूम पर बनी हुई है। वहीं अगर आपकी साड़ी में जरी का धागा लंबाई में है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो जरी का धागा है उसे लंबाई में बुन रखा है,
तो इसका मतलब वो मशीन पे बनी हुई है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे आप इजिली पता लगा सकते हैं साड़ी मशीन की है या हैंडलूम की है। इवन इस साड़ी में आपको यहाँ पर साइड में वो होल्स के निशान भी नहीं दिखेंगे जो पिन होल के निशान आपको उस साड़ी में दिख रहे थे। तो ये दो टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी साड़ी मशीन पे बनी है या हैंडलूम पे बनी है। अब बात करते हैं साड़ी की प्योरिटी की, ये कैसे पता लगाए कि प्योर सिल्क की बनी है या आर्टिफिशियल धागे मिले हुए हैं। अब आपकी साड़ी सिल्क की बनी है या पॉलिएस्टर की, इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है बर्निंग टेस्ट। यहाँ पर ये धागा मैंने आर्टिफिशियल साड़ी का निकाला है और ये प्योर सिल्क का धागा है। मैं आपको ये जलाकर दिखाती हूँ। जब आप एक पॉलिएस्टर के धागे को चलाते हो तो आप देख रहे हो ये धागा कैसे भाग रहा है जलाने पे। ओ ये बिल्कुल प्लास्टिक के जैसा लगता है और अभी ये तीली के ही चिपक गया है बिल्कुल माचिस के। ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लगेगा आपको, इवन इसकी ऐश भी ऐसे ही गाढ़ सी बन जाएगी। वहीं जब मैं एक सिल्क के धागे को जलाऊंगी तो आप देखना कैसे ये फटाफट आग पकड़ रहा है और उड़ रहा है एकदम से। ये उस प्लास्टिक की तरह नहीं है, इवन इसका जो ऐश है ना वो बिल्कुल चूरा सा बन जाएगा, ये देखो। और ये आपको है ना एक बार बालों की जैसी स्मेल आएगी इसमें, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर का बना होता है तो इस वजह से इसकी ऐश ऐसे हो जाती है बिल्कुल धुएं जैसी। दूसरी टेक्निक है वेट। आपकी एक प्योर सिल्क की साड़ी हमेशा वेट में ज्यादा भारी होती है एज कम्पेयर टू एक आर्ट सिल्क, सेमी सिल्क की साड़ी के या आर्टिफिशियल साड़ी के। जैसे यहाँ पर अगर मैं वेट देखूंगी ना दोनों साड़ी को पकड़ के, तो मुझे खुद हाथों में फील होगा कि ये साड़ी ज्यादा भारी है और ये बहुत हल्की है। तो ऐसे ही आप भी जब शॉपिंग कर रहे हैं और अगर आपको कह रहा है कि ये प्योर साड़ी है ये वाली नकली है, तो आप उसे वेट अपने हाथों में ही लेकर देख सकते हैं कि कौन सी ज्यादा भारी लग रही है। तीसरी टेक्निक है कि आप देखें टच करके अपनी साड़ी को। एक प्योर सिल्क की साड़ी टच करने में बहुत ही सॉफ्ट फील होती है, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट होता है। वहीं एक आर्टिफिशियल साड़ी फील करने में बहुत खुरदुरी सी होती है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है कंपेरेटिवली जितनी ज्यादा सॉफ्ट ये है, कोई मुकाबला ही नहीं है सॉफ्टनेस में। तो फोर्थ टेक्निक है कि आप देखें कि आपकी साड़ी आवाज कर रही है। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपनी साड़ी को ये जानने का कि सिल्क में बनी है या आर्टिफिशियल में। जैसे अगर मैं माइक के पास लेकर आती हूँ आर्टिफिशियल साड़ी पहले, क्योंकि इसमें आवाज आ रही है, ये देखो पता नहीं सुनाई दे रही होगी या नहीं आपको, देख रहे हो कैसे आवाज आ रही है इसमें एक अजीब सी, ये आर्टिफिशियल साड़ी है। और वहीं जो ये प्योर सिल्क की साड़ी है इसमें कोई आवाज नहीं आ रही और इसमें एक अजीब सी झिमझिम सी आवाज आ रही है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि साड़ी पॉलिएस्टर में बनी है या सिल्क में बनी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहती हूँ। किसी टॉपिक पे आप स्पेशली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई बैक भी करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ऑफ कोर्स मैं उन पे वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।